नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को, ऊंचाई और दूरी को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मेन एप्लीकेशन है, मुख्य उपयोग है, वो ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात करने में ही किया जाता है कि किसी भी मीनार को वास्तविक मेजरमेंट किए हुए उसका हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या किसी नदी की चौड़ाई बिना उसको मेजरमेंट किए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी रोड की चौड़ाई बिना मेजरमेंट हुए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक मीनार लेते हैं और उसको देखते हैं कि बिना वास्तविक मेजरमेंट किए उसका हाइट कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये एक मीनार है, इसको हम बोलते हैं ए और इस बॉटम को बोलते हैं बी। अब ए बी मीनार है, उसकी हाइट हमें पता करना है बिना उसके वास्तविक मेजरमेंट के। तो दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा, इसमें सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट आपको ये करना है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमें एक समकोण त्रिभुज का परिकल्पना अपने दिमाग में कर लेना है कि हम एक समकोण त्रिभुज कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी तक देखा है वो सभी राइट एंगल पे ही अप्लीकेबल है और उसपे एक्यूट एंगल से रिलेटेड ही होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस बी इसके जो बॉटम है, इस मीनार के बॉटम से कुछ दूरी पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ये आदमी क्या कर रहा है कि इसके टॉप को वो देख रहा है, इसके टॉप को वो दोस्तों देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका राइट एंगल कैसे फॉर्म किया जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि इसका आई का जो लेवल है, ये आई का लेवल ये है, इसके आई के लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप अगर ऐसे खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये मान लीजिए कि ये यहां मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये ई पॉइंट है, और इसके आई लेवल को बोलते हैं डी पॉइंट है, और ये जो नीचे खड़ा है इस पॉइंट को हम बोलते हैं सी पॉइंट है। तो अब आपको मेन काम क्या है कि अगर आपको ये मीनार की हाइट जानना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीनार की अगर हाइट टोटल हाइट ए बी है तो ए बी इक्वल टू क्या देगा, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। अब ई बी इसीलिए हमने बोला है दोस्तों कि ई बी का जो हाइट होगा वो डी सी के हाइट के बराबर होगा, और डी सी का हाइट आपको मालूम होगा क्योंकि यहाँ पे आदमी खड़ा है और आदमी का हाइट आपको पता होगा। तो अगर ये कोई सपोज किए डी सी का हाइट हमें ज्ञात है तो वो ई बी के बराबर हो जाएगा, तो ई बी ऑलरेडी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मेरा मुख्य काम है कि अगर हम ए ई को ज्ञात कर लेते हैं तो हम इस मीनार की हाइट को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ एक दो टर्म है इसमें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या समझना पड़ेगा, तो जो आंख से दृष्टि रेखा ए को देखता है वो लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है। और दृष्टि रेखा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने एक मोटा मोटी राइट एंगल बना लिया ए बी ई। अब हम यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है उसमें इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर हमें इस कोण को पता लग जाए तो हम आराम से इसका हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जमीन पे बी से लेकर सी की दूरी ज्ञात होगा, क्योंकि हम यहाँ इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हम मीनार के बॉटम से कितने दूरी पे खड़ा है। तो ये अगर हमें ज्ञात है और ये एंगल हमें पता है, क्योंकि आंख से हम देख रहे हैं तो कितने एंगल से हम उसको देख रहे हैं, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको पता है तो हम आराम से ए ही निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक टर्म और है दोस्तों कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो ऐसे जब देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए दोस्तों कि एक कोई बिल्डिंग है यहाँ पे और आदमी कोई यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक रोड जा रही है दोस्तों, ये रोड है और रोड के ये किनारे पे ये लड़का देख रहा है, रोड के एक किनारे पे देख रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे देख रहा है तो ये जो एंगल है इसके आई का जो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, क्योंकि आंख से ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आंख से जो दृष्टि रेखा यहाँ पे बना है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल नीचे की ओर बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवनमन कोण, अवनमन कोण
अब नवन कोण बोलते हैं इसको, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो आंख से जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से हमारे आंख का जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, अवनमन कोण। तो इस केस में हमें मीनार की हाइट में हमें उन्नयन कोण की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें आप अगर याद रखते हैं तो हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन और लाइन ऑफ साइट। तो अब हम इसमें कुछ वैल्यू देते हैं, फिर आपको देखते हैं कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एंगल ADE equals to 60 डिग्री आपको गिवन है, दिया हुआ है, और आपको यह भी दिया हुआ है कि B से C की दूरी जो है वो 15 मीटर है। कितना है दोस्तों? 15 मीटर B से C की दूरी है, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि उस आदमी का जो हाइट है वो सपोज कीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर आदमी का हाइट है। तो आपको मीनार का हाइट ए बी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको ये पता है दोस्तों कि अगर ये बी और सी 15 मीटर है तो डी और ई भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों ये दोनों समांतर रेखा है और दोनों बराबर दूरी पे है। तो आप जान सकते हैं इसको कि बी सी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू 15 मीटर, यानी कि आपको अगर इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई, अब इन ट्रायंगल ए डी क्यों लिया हमने? क्योंकि आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको राइट एंगल का परिकल्पना कर लेना है। तो राइट एंगल जब हम बनाएंगे तो हमें अब यहाँ पे ये 60 डिग्री पता चल गया, और ये जो बेस है अब इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब हमें चूंकि हाइट पता है 2 मीटर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो ही गया, और ये 15 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है, जो कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ऐसा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें अप्लाई करना है जो कि पी और बी के रिलेशन में आपको दे, यानी कि अगर पी और बी, क्योंकि हमें बी पता है और पी निकालना है, तो हमें 60 डिग्री पता है, बी पता है तो पी निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? तो टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू लेते हैं, तो टेन 60 क्या हो जाएगा दोस्तों? टेन 60 हो जाएगा पी बाय बी, पी बाय बी, और पी क्या यहाँ पे है? तो पी है ए और बी आपका 15 मीटर है। अब टेन 60 का वैल्यू आपको मैंने कैलकुलेट करके एक टेबल फॉर्म में बताया था पिछले वीडियो में। तो आप टेन 60 का कितना वैल्यू होता है? रूट थ्री इक्वल्स टू ए बाय 15, इसीलिए ए इक्वल्स टू 50 रूट थ्री मीटर आप यहां से कैलकुलेट कर लिए। अब ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू हो गया 15 रूट थ्री और 2 मीटर ई भी है, तो टोटल मीनार की हाइट क्या हो जाएगा? ए बी, ए प्लस ए बी, ए का वैल्यू आपने 15 रूट थ्री निकाल लिया और ई बी का वैल्यू 2 मीटर है, यानी कि यही जो आपका कैलकुलेट करेंगे आप, तो यही इसका आंसर हो जाएगा मीनार का हाइट। तो आप इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वही नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और नदी के ऊपर में एक पुल बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक आदमी इस पुल पे यहाँ पे है, अब ये आदमी पुल से इस नदी के एक किनारा इसको और दूसरे किनारा इसको, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है कोई बी, यहां से वो इसको भी देखता है, इस पॉइंट को देखता है और यहां से इस पॉइंट को देखता है। अब वो आदमी जब इस पॉइंट को देखता है तो ये जो एंगल बनाता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी हमने बताया एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, क्योंकि वो नीचे की ओर देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इसका पॉइंट ए के साथ, सपोज कीजिए पॉइंट बी पे आदमी है, डी पे आदमी यहां पर बैठ के ये दोनों किनारा को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, और जब बी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है यानी कि अवनमन कोण जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। कहता है कि अगर इस पुल की ऊंचाई जो है 3 मीटर हो, कितने हो दोस्तों? 3 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी कि ये नदी की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। बड़े आराम से आप यहां पे भी दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार से एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर ले, ताकि हमको कैलकुलेशन में बड़े ही आराम होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो बनता है, ये एंगल जो होता है, ये अगर हॉरिजॉन्टल
लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया अभी आपको। तो ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब आप एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस को कोई ऑब्लिक लाइन काटता है तो जो ये एंगल है और ये एंगल है ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो पुल गया हुआ है दोस्तों ऊपर में, और जो ये जो नदी की चौड़ाई है वो आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल है, पैरेलल है, और ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसको काट रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दिस एंगल्स एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल्स एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल इसके बराबर है तो यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल अगर इसके बराबर है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है ये ज्योमेट्री में आप लोग सब जानते होंगे। अब जब आप देखिए आपके पास दोस्तों कि ये एक त्रिभुज बना है जिसमें बीचों बीच जो हाइट है वो आपको किसी, सपोज कीजिए कि पॉइंट ई पे आपको कट रहा है, तो ये पॉइंट ई पे मिल रहा है। अब हम एक ट्रायंगल में सपोज ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो नदी की चौड़ाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर, यही हमको कैलकुलेट करना है। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे ए ई प्लस ई बी। तो अगर हम ए ई निकाल ले और ई बी निकाल ले और दोनों को आपस में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको, तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे हमने जब डी से ई पॉइंट ड्रॉ किया ए बी पे इसका हाइट निकालने के लिए, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री, यानी कि ए डी ई एंड बी डी ई आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों जो ट्रायंगल हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब हम पहला ट्रायंगल में देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई में, या आप कह सकते हैं कि डी ई ए में, राइट एंगल डी ई ए में। डी ई ए में क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये बेस निकालना है, क्योंकि इस ट्रायंगल इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और आपको ये पी दिया हुआ है तो पी और बी का जो रिलेशन होगा उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप टेन थर्टी का यूज करें, क्योंकि टेन थर्टी जो है वो पी और बी को दर्शाता है, पी और बी के रिलेशन को दर्शाता है। तो इस एंगल के लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो पी बाय बी यानी कि 3/b का वैल्यू ए ई। अब टेन थर्टी आप जानते हैं दोस्तों कि 1/√3 होता है, इक्वल्स टू 3/ae। यहां से आप अगर ए ई कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3√3। अब दोस्तों दूसरे ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल बीईडी में, इन राइट एंगल बीईडी में, बीईडी में क्या हो जाएगा, तो सेम यहां 3 मीटर मुझे पता है, और इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसमें भी 10/45 आप लगा लेंगे तो 10/45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/45 इक्वल्स टू पी बाय बी। तो पी 3 मीटर है और बी हमको ई बी दिया हुआ है, ई बी हमको निकालना है, तो 10/45 आपको क्या है दोस्तों, 1 के बराबर होते हैं। आपको अच्छे से इस टेबल को याद रखना है, क्योंकि ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए जितने भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कॉस को, उसको आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत ही मदद होगी। तो टेन 45 क्या होता है, 1 के बराबर होता है और 3/ev हो जाएगा। यहां से अगर आप ev कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि ए ई आपको 3√3 मीटर पता चल गया और ईवी आपको 3 मीटर पता चल गया। तो आप नदी की विड्थ कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो ए ई प्लस ईवी, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई प्लस ईवी, और ए का वैल्यू है 3√3 आपने निकाला है, और ईवी का वैल्यू 3 निकाला है, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 + 1 ये मीटर जो है वो नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ए बी का वैल्यू 3 × √3 + 1 मीटर नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों बिना वास्तविक मेजरमेंट किए हमने इसमें नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर लिया है, इससे पहले हमने मीनार की हाइट को ज्ञात कर लिया है। तो
इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आधारित एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आप अगर बेसिक कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से बना लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।